पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम अग्निन्दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिहं। अर्थात अग्निदूत हैं, हव्यवाहक हैं, हम सम्मुख की अग्नि की स्थापना करते हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वह यहां पधारें, विराजें, हवि को देवताओं तक पहुंचाएं। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले हैं, आपने सूर्य को प्रकटाया, आप जल धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप गौ आदि के लिए जीवन धारण करते हैं, गौ आदि आपकी कृपा से जल धारती हैं। हे अग्नि, आप वैभव संपन्न हैं, आप माता हैं, आप पिता हैं, आप अश्व हैं, आप हम हैं, आप गतिशील हैं, आप मय हैं, आप पराक्रमी हैं, आप सुखदाई हैं, आप नम्र हैं, आप शिशु हैं, आप रक्षक हैं, आप आदित्यों की तरह अपनी राह पर चलते हैं, आप दिशापति हैं, आप देवताओं के लिए इस संस्कार संपन्न अश्व की रक्षा करने की कृपा करें। यह प्रसन्नता है से रमण करें, हमें यह यज्ञ को धारें, यह स्वयं धारण करने की शक्ति वाले हैं, इनके लिए स्वाहा। प्रजापति के लिए स्वाहा, सुख से हित के लिए स्वाहा, सर्वश्रेष्ठ के लिए स्वाहा, विद्या धारण करने हेतु स्वाहा, मन स्वरूप प्रजापति के लिए स्वाहा, चित्त स्वरूप प्रजापति के लिए स्वाहा, विशिष्ट ज्ञात आदित्य के लिए स्वाहा, मध्य आदित्य के लिए स्वाहा, सुखदाई के लिए स्वाहा, पवित्र सरस्वती देवी के लिए स्वाहा, विशालवती देवी के लिए स्वाहा, पूखा देव के लिए स्वाहा, श्रेष्ठ पथ वाले पूखा देव के लिए स्वाहा, मानवधारी पूजा देव के लिए स्वाहा, त्वष्टा पूजा देव के लिए स्वाहा, तीव्र पूखा देव के लिए स्वाहा, विविध रूप पूखा देव के लिए स्वाहा, विष्णु हेतु स्वाहा, भूपति देव हेतु स्वाहा, सबके चित्त में स्थित विष्णु देव हेतु स्वाहा। सविता देव संसार के नायक हैं, हम उनकी मित्रता हेतु चाहते हैं, हम संसार के सारे वैभव पाना चाहते हैं, हम पुष्टता चाहते हैं, हम स्वर्ग लोक चाहते हैं, सविता देव हेतु स्वाहा। हे ब्राह्मण, आप ब्रह्म वर्चस्वी हैं, राष्ट्र में सूरवीर, ब्राह्मण विद्या में निपुण, महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हो, तीव्र वेग वाले अश्व, भार ढोने वाले बैल, दुधारू गायें लोगों को मिले, स्त्रियां चरित्रवती और गुणवती हों, वीर विजयी हों, सभी युवा हों, अच्छे वक्ता हों, बादल अच्छे बरसें, औषधियां फलवती हों, योग क्षेम का भी निर्वाह हो, प्राण को स्वाहा, पान को स्वाहा, ज्ञान को स्वाहा, चक्षु को स्वाहा, वाणी को स्वाहा, मन को स्वाहा, पूर्व दिशा के लिए स्वाहा, पश्चिम दिशा के लिए स्वाहा, दक्षिण दिशा के लिए स्वाहा, ईशान दिशा के लिए स्वाहा, ऊर्ध्व दिशा के लिए स्वाहा, प्रतीचि दिशा के लिए स्वाहा, उदीचि दिशा के लिए स्वाहा, अवार्च्य दिशा के लिए स्वाहा, अहवार्य दिशा के लिए स्वाहा, अर्वाच्य दिशा के लिए स्वाहा, अवाच्य दिशा के लिए स्वाहा। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम वाताय स्वाहा, धूमाय स्वाहा, भ्राय स्वाहा, मेघाय स्वाहा, विद्युत्मानाय स्वाहा, विद्योतमानाय स्वाहा, स्तनये स्वाहा, वस्फूर्जते स्वाहा, वर्षते स्वाहा, ववर्षते स्वाहोग्रम वर्षते स्वाहा, शीघ्रं वर्षते स्वाहोद्धरग्रहणते स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा, प्रश्नते स्वाहा, सीकायते स्वाहा, प्रश्वाभ्यः स्वाहा, लादुनिभ्यः स्वाहा, निहाराय स्वाहा। अर्थात वायु के लिए स्वाहा, धुएं के लिए स्वाहा, विद्युत वाले के लिए स्वाहा, गर्जने वाले के लिए स्वाहा, वर्षक के लिए स्वाहा, कम वर्षक के लिए स्वाहा, अति वर्षक के लिए स्वाहा, ऊपर उठने वाले के लिए स्वाहा, ऊपर से जल ग्राही के लिए स्वाहा, बूंदाबांदी के लिए स्वाहा, घनघोर वर्षक के लिए स्वाहा, गड़गड़ाहट वाले के लिए स्वाहा, कोहरे वाले के लिए स्वाहा, सभी मेघों के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, सोम के लिए स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा, पृथ्वी के लिए स्वाहा, अंतरिक्ष के लिए स्वाहा, स्वर्ग के लिए स्वाहा, दिशाओं के लिए स्वाहा, उपदिशा के लिए स्वाहा, अपर दिशा के लिए स्वाहा, नीच दिशा के लिए स्वाहा, नक्षत्रों के लिए स्वाहा, नक्षत्रों से संबंधित देवताओं के लिए स्वाहा, दिन रात के लिए स्वाहा,
अर्धमास के लिए स्वाहा, मास के लिए स्वाहा, ऋतुमास के लिए स्वाहा, ऋतु से उत्पन्न के लिए स्वाहा, वर्ष के लिए स्वाहा, स्वर्ग के लिए स्वाहा, पृथ्वी के लिए स्वाहा, चंद्र के लिए स्वाहा, सूर्य के लिए स्वाहा, किरणों के लिए स्वाहा, वसुओं के लिए स्वाहा, रुद्रों के लिए स्वाहा, आदित्यों के लिए स्वाहा, मर्तों के लिए स्वाहा, सभी देवों के लिए स्वाहा, सखाओं के लिए स्वाहा, वनस्पतियों के लिए स्वाहा, पुष्पों के लिए स्वाहा, फलों के लिए स्वाहा, औषधियों के लिए स्वाहा, पृथ्वी के लिए स्वाहा, अंतरिक्ष के लिए स्वाहा, स्वर्ग के लिए स्वाहा, सूर्य के लिए स्वाहा, चंद्र के लिए स्वाहा, नक्षत्र के लिए स्वाहा, जलों के लिए स्वाहा, औषधियों के लिए स्वाहा, वनस्पतियों के लिए स्वाहा, चराचर के लिए स्वाहा, रेंगने रपने वाले जीवों के लिए स्वाहा, असब के लिए स्वाहा, वसब के लिए स्वाहा, विभु के लिए स्वाहा, विवस्वत के लिए स्वाहा, गणश्री के लिए स्वाहा, गणपति के लिए स्वाहा, अभिभु के लिए स्वाहा, अधिपति के लिए स्वाहा, सामर्थ्यवान के लिए स्वाहा, सर्प के लिए स्वाहा, चंद्र के लिए स्वाहा, ज्योतिवान के लिए स्वाहा, अधिक मास के लिए स्वाहा, स्वर्गलोक के पाताल के पालक के लिए स्वाहा, चैत मास के लिए स्वाहा, वैशाख के लिए स्वाहा, ज्येष्ठ के लिए स्वाहा, आषाढ़ के लिए स्वाहा, सावन के लिए स्वाहा, भादों के लिए, आश्विन के लिए, कार्तिक के लिए, पौष के लिए, फाल्गुन के लिए, चैत्र के लिए, सभी मासों के लिए स्वाहा, अन्न के लिए स्वाहा, उत्पादक के लिए स्वाहा, जल में उत्पन्न अन्न के लिए स्वाहा, यज्ञ के लिए स्वाहा, मूर्धा में उत्पन्न अन्न के लिए स्वाहा, व्यापक अन्न के लिए स्वाहा, अंतिम उत्पन्न अन्न के लिए स्वाहा, भुवन के लिए स्वाहा, भुवनपति के लिए स्वाहा, यज्ञ से आय वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से प्राण वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से अपान वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से ज्ञान वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से उदान वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से समान वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से चक्षु बल वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ के कर्ण बल वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से वाणी बल वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से मन बल वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से आत्म बल वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से ब्रह्म बल वृद्धि के लिए स्वाहा, ज्योतिर्मय यज्ञ के लिए स्वाहा, स्वयं प्रकाशित यज्ञ के लिए स्वाहा, यज्ञ से यज्ञ वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से अग्र वृद्धि के लिए स्वाहा, यज्ञ से तृण वृद्धि के लिए स्वाहा। पुनः भगवती स्मृति कहती हैं, हरे ओम ओम एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यागुं स्वाहा सताय स्वाहैक सताय स्वाहा विष्टै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा। अर्थात एक के लिए स्वाहा, दो के लिए स्वाहा, सौ के लिए स्वाहा, एक सौ के लिए स्वाहा।